हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं आया हूं अपने गांव की एक काफ़ी पुरानी मस्जिद, जो कि कहा जाता है कि ये मस्जिद जो है जिन्नातों ने बनाया है। हकीकत क्या है इसके पीछे हम लोग भी नहीं जानते हैं, तो आज मैं आपको हमारी गांव की मस्जिद का जो है नज़ारा दिखाऊंगा कि कैसी मस्जिद है और इस मस्जिद के इतिहास क्या है, मैं जानने की कोशिश करूँगा। और ये है, और रेड का इसका जो कलर है वो वाइट कलर का जो है, और ये काफ़ी पुरानी है। कहा जाता है कि मस्जिद जो है 1700 कुछ में बनाया गया है, लेकिन हकीकत मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए, अब मैं इस मस्जिद के अंदर जाकर आपको नज़ारा दिखाता हूँ। और ये मस्जिद जो है खेत की तरफ है, और यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं, जब खेती बाड़ी करना होता है तभी आते हैं। और यहाँ पर जो है लोग कभी कभी शाम के टाइम घूमने भी आते हैं। ये भाई लोग भी है जो कि घूमने आए हैं। और तो आप लोग इस मस्जिद के बारे में जानते हैं कुछ? जानते हैं कि हमारा पूर्वज से ये सब मस्जिद है। अच्छा, कब की बनाई गई, हकीकत भी नहीं पता है? नहीं, हमारा बाप दादा भी नहीं जाना है कि कब से बना हुआ है। मानिए कि 500 साल से ज़्यादा का मस्जिद बना, 500 साल से ज़्यादा की मस्जिद है। और मैं अपनी बात बता दूं, जब मैं 2015 में आता था इधर घूमने के लिए, तो बिल्कुल ही सन्नाटा था। अभी तो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा दिख रहा है, पहले काफ़ी सन्नाटा था और बहुत सारे लोग जो आते नहीं थे डर से, है कि नहीं। और कुछ चीज़ें जो है अब बनाई गई है, मॉडिफाई की गई है, और पहले जो है कुछ भी मॉडिफाई नहीं हुआ है, सिर्फ पेंट हुआ है, पेंट वगैरह हुआ है। इधर जो है नल वगैरह लगाया गया है, पहले जो इसके अंदर जो वजू खाना भी नहीं था, उसी तरह से जो वजू खाना भी नहीं था। अरे सुना, एक कुआं भी है, कुआं है वहाँ पर, तो कुआं का इस्तेमाल होता है अभी? नहीं, अभी कुआं का इस्तेमाल देखिए, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तरक्की हो गई है, जिसकी वजह से जो है कुआं का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होता है। इधर देख सकते हैं जो कि झाड़ी जंगल है, यहाँ पर जो है कुआं है, और पहले लाइट भी नहीं थी, लाइट का व्यवस्था भी नहीं था। लाइट अभी 10 साल से आया है, 10 साल से कम से मेरे ख्याल से 5 साल, 5 साल यानी कि 2015-14 के बाद जो है लाइट का व्यवस्था हुआ। तो चलिए, मैं अब अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ। तो मैं फाइनली इस मस्जिद के अंदर आ चुका हूँ, जो कि देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, जो कि 500 साल पुरानी मस्जिद है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी है, और यह चीज़ जो है अब लगाई गई, पहले नहीं थी, जो कि अब सुविधा हो गया है, इसी वजह से लगाया गया है। तो देख सकते हैं नए तरीके से बनाया गया है वजू करने के लिए, और पहले माइक भी नहीं था, अब माइक भी लग चुका है, और अभी टूट फूट रहा है, फिर भी मॉडिफाई कर रहे हैं लोग। और अब तो पहले के मुकाबले अब जो है काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, पहले बिल्कुल भी नहीं आते थे। और अब शायद मेरे ख्याल से 5 वक्त की नमाज़ भी होती है, और सब जो है मेरे गाँव के लोग हैं, जो कि इधर जो लुंगी पहनते हैं, इसी वजह से लुंगी पहन के घूमने के लिए आए हैं। ये सब मेरे दोस्त हैं, गांव के ही है, तो ये लोग जो है मेरे ख्याल से 2015 में नहीं आते थे। आते थे आप लोग? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आते थे। और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हमारे गांव में भी जंगल से जी, तो मैंने एक प्लान बनाया कि हमारे गांव में एक काफ़ी पुरानी मस्जिद है, जो कि ऐतिहासिक मस्जिद है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप तक शेयर करूँ। और पेड़ भी है, पेड़ होना भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर जो पेड़ हैं, और पेड़ लगाने के बाद काफ़ी जो है ऑक्सीजन मिलता है, चारों तरफ पेड़ भी है, देख सकते हैं। ये मेन गेट है, और इधर भी एक गेट है, और नल भी है। नल तो रहना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो है लाइट नहीं रहती है, जिसकी वजह से जो है पानी का भी परेशानी होती है, तो नल से काम चल जाता है। अभी मैं आपको बार बार कहीं नज़ारा दिखा रहा हूँ, और इधर भी जो है पेड़ लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी जो है कार्यक्रम जो है प्रगति में है, और देख सकते हैं वाइट कलर जो है किया गया है, अब किया गया है 2015 में काम शुरू। हाँ, कब? 2015 में, मतलब जो है इसका जो है प्रक्रिया नए तरीके से काम शुरू किया गया है 2015 के बाद, यानी पहले आते ही नहीं थे लोग, कुछ खास लोग आते थे, कहा जाता है कि जिनको जो है जिन्नात पकड़ लेते हैं वही लोग आते हैं। और ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ लोग खास लोग हैं, जो जुमा को यहीं पर जो है जुमा की नमाज, ये भी कहा जाता है कि इस मस्जिद को जिन्नों ने बनाया। हाँ, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कई दिनों में जो है मस्जिद बनाई गई है, और हकीकत क्या है हमें भी नहीं पता है, मेरे ख्याल से इन लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि सब मेरे एज के हैं। तो चलिए, मैं इस मस्जिद के अंदर की तरफ जा रहा हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। लाइट है इस मस्जिद के? सब कुछ है। हाँ, तो देखिए अभी जो है बिल्कुल लाइट नहीं जली हुई है, तो अभी लाइट जलाएंगे, तो ये अभी जो है लाइट जलाने के बाद जो है थोड़ी सी रोशनी हुई है, लेकिन काफ़ी शानदार मस्जिद है। और अगर लाइट भी ना रहे तो कुदरत यहाँ पर ठंड है कि नहीं। अभी मेरी आवाज़ जो गूंज रही है, क्योंकि खिड़की है नहीं इस मस्जिद में, और खिड़की नहीं बनाया गया कि पहले के लोग थे वो बनाए, और पहले के जो लोग थे काफ़ी अच्छे थे, दिमाग लगा के बनाए हैं, इसी वजह से विंडो वगैरह बिल्कुल ही नहीं लगाया। अब तो जो है माइक भी आ गया, पहले माइक के बिल्कुल
बंदोबस्त नहीं था। और ऊपर की बात करें तो इसका जो वायरिंग है बाहर बाहर से किया गया है, ऊपर का देख सकते हैं जो कि डिज़ाइन से गुंबद। इस मस्जिद का दो गुंबद है, मेरे ख्याल से दो मीनार है। मैं आपको अभी थोड़ा सा बाहर बाहर का भी नज़ारा दिखाऊंगा। तीन गुंबद है और इस मस्जिद में क्या है, इस मस्जिद के अंदर दो ही सब है, एक यहाँ पर यहाँ पर। ज़्यादा जो है लोग आते नहीं हैं, कुछ ही लोग आते हैं और इस मस्जिद में खास खास लोग ही नमाज़ पढ़ने आते हैं, हर कोई नहीं आते हैं। यहाँ पर जो है मुसल्ला है, मेहराब है, कुरान शरीफ भी रखे हुए हैं और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिशियन सामान वगैरह रखा हुआ है, अभी जो है काम वगैरह चल रहा है। इधर भी एक गेट है छोटा सा, इधर भी एक गेट है, जिस दिन लाइट नहीं रहती है इसको भी जो है खोलना पड़ता है। तो मुझे तो यहाँ पर आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसी वजह से मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है शाम का टाइम। तो मैं फाइनली इस मस्जिद के अंदर से बाहर निकल चुका हूँ, अभी मैं आपको बाहर बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं ब्लॉग एंड करूँगा। तो अभी मैं इस मस्जिद के जो है बाहर बाहर घूम रहा हूँ और आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। और मौसम अभी जो है काफ़ी सुहाना है और ये सब जो है खेत है और ये खेत सब जो है हमारे आसपास के लोगों का ही है। और आज से 4-5 साल पहले यहाँ पर, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, घास काटने के लिए आया करता था और मेरे साथ हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं, ये लोग भी यहीं पर आते थे। अब सब स्टूडेंट है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। और इधर देख सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से पेंट नहीं किया है, पुराना ही है, टूट फूट भी रही है, लेकिन इसका जो है कार्यक्रम जारी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं हाँ, ये सब जो आप देख पा रहे हैं लंबे लंबे पेड़ है, जो है ताड़ का जो है पेड़ है, जिससे ताड़ी निकलता है। ताड़ी निकलता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि जो लोग शहरों से बिलोंग करते हैं वो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं कि ये ताड़ का पेड़ है। यहाँ पर भी है और इधर भी देख सकते हैं, और इसके इस पेड़ की जो है जो वो निकलता है ताड़, जो ताड़ी जो निकलता है वो नशे में भी कन्वर्ट हो जाता है, अगर उसको जो है कुछ दिन के बाद अगर पिया जाए तो वो जो है नशे में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे अगर आप ताज़ा ताज़ा पियेंगे तो ऐसा होता नहीं। और अभी जो है खेतों में जो है धान जो है लगाया गया है। तो चलिए मैं आपको जो है जो कुआं की बात किया हूँ वो कुआं भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कुआं तो अभी जो है इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊँगा कि वो कुआं कहाँ है। और इधर से भी देख सकते हैं नज़ारा है, अभी के समय की बात करें तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पहले की मस्जिद है तो अभी काफ़ी अच्छी मस्जिद है। एक तरह से मस्जिद जो है कि मोनूमेंट है, यादगार है, इसलिए मैं आपको दिखाना मुनासिब समझा हूँ। मैं अब आपको जो कुएं की तरफ लेकर चलता हूँ, और उसके पास जाना मुनासिब है कि नहीं मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि सांप वगैरह भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी जंगल झाड़ी है। तो ये है, मैं फाइनली इसके जो है नज़दीक आ चुका हूँ, वहाँ पर है, चलो उसके अंदर ही चलते हैं। तो मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, फाइनली मैं जो कुएं के नज़दीक आ चुका हूँ। अब जाना सूटेबल बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं पैर रखूँगा तो मेरे पैर जो है अंदर भी जा सकता है, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगा। अब इसकी बात करूँ तो इसका अंदर जो है पेड़ निकल चुका है, पानी बिल्कुल ही नहीं है, समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी ये मस्जिद है और ये कुआँ है। तो चलिए मैं अब जो यहाँ से निकलता हूँ, मेरे भाई है जो कि अंदर जाने की प्रयास कर रहे हैं, जाइए तुम गुमे। तो ये मेरा जो है पार्टनर है, अभी जो है अंदर जाने की कोशिश किया था लेकिन नहीं गया है, क्योंकि इसको जो है कुछ चीज़ दिखा ना, अभी डर फील हुआ, इसलिए अगर मेरी वीडियो फरकिया के लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी जाने की कोशिश ना करें। और ये मस्जिद का लोकेशन आपको बता दूं कि फरकिया चौक में है, मेन फरकिया चौक में है। और यहाँ पर एक स्कूल है जो कि हमारे गाँव में काफ़ी फेमस स्कूल है, जो कि पहले प्राइवेट स्कूल था इंग्लिश मीडियम का, और इस स्कूल का नाम क्या है, ज़िया पब्लिक स्कूल। मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सुनने में आया है कि यहाँ पर जो है दूर दूर से लोग आकर नमाज़ भी पढ़ते हैं जुमे की, क्योंकि ये इस मस्जिद में कुछ लोग जो है ख़ास लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहीं पर मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आप लोग अररिया से हैं तो एक बार ज़रूर आइए विज़िट करने के लिए। मैं जो है इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये भाई लोग हैं, तो बताइए आप लोगों का आकर कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ आकर कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। ये सारी हमारे जो है दोस्ती है, काफ़ी दिनों से हम लोग मुलाकात नहीं किए थे। मैं अपनी बात बता दूं कि इन लोगों से मैं लगभग 1.5 साल से मुलाकात नहीं किया हूं, तो कल मुलाकात हुई है, तो आज हम लोग ने फैसला किया था चलिए इस मस्जिद की वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद आपको शेयर करते हैं। तो मैं फाइनली आप तक मैं वीडियो पहुंचा दिया हूं। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसी ही ऐतिहासिक जगह पर मैं जाते रहता हूँ और आपको वीडियो मिलते रहेगी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।